गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम मम्मी की किचन से, मतलब ब्यूटी की किचन से बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि हैं मठा के आलू। तो यस, आज हम बनाने वाले हैं मठा के आलू। उसके लिए हमने ले ली है आलू, इसे हमने बॉईल कर लिया है आलूओं को और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। हमने ली है हरी मिर्ची, धनिया और दही, इसे मठा कहते हैं, राइट? और इसे बिलो लिया है हम लोगों ने। तो अब कुकर में जा रहा है तेल। ओके, कितना डालोगे? फिर भी अंदाजे से बताओ। एक कलछी तेल जा रहा है इसमें। बेसिक मसाले हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च। हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च, बस। प्याज भी नहीं। प्याज वैसे इन्होंने काटी दी, मैं सच बताऊं तो गाइस मैंने इन्हें मना कर दिया, क्योंकि इनकी जो मामी है वो बनाती थी मठा के आलू। तो मैंने इनको बोला वो कैसे बनाती थी, कहती हमारे यहाँ तो प्याज बनती ही नहीं थी। तो मैंने बोला जो जैसे बनाती थी आपकी मामी वैसे ही बनाओ। तो अब हमारा तेल जो है वो गर्म होने के लिए हमने रख दिया, तो थोड़ा ये गर्म हो जाए फिर इसमें डालेंगे जीरा। सबसे बात ये इन्होंने जीरा ले लिया है एक चम्मच करीब। तो भाई यहाँ पर हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, धुआं उठने लगा है इसमें से हल्का हल्का, गैस हमने कर दिया बंद। अब डाल रहे हैं जीरा। चलो साथ में जा रही है चुटकी भर हींग, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और बेनी मिर्च। डाल दिया इसमें आलू बॉइल्ड, तो हमने काट लिए थे। व्रत के आलू जैसे ही बना रही हूँ, पर वो जैसे कढ़ाई में बन जाते हैं राइट, और सूखे होते हैं और उसमें दही पड़ जाता है। मैं नमक सच से डाल, कुछ लोग डाल भी देते हैं, फट जाएगा फिर फटेगा नहीं, अगर नमक डाल देते हैं जो लोग और फट जाएगा फिर वो फटाफटा हो जाता है। चलो ठीक है, डाल रहे हैं इसमें दही, हल्के हल्के डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ये जो मठा के आलू है ना, पापा खाते हैं ना मैं खाती हूँ, सो ये सिर्फ मेरी मम्मी ही खाती हैं। और यूपी की बहुत फेमस डिश है ये, जो खाने में हर रोज ही बनती है वहाँ पर लोगों के यहाँ पे, तो बहुत रिलेट कर पाएंगे इससे यूपी वाले लोग। मतलब हमें इतनी कोई खास पसंद नहीं है, ये थोड़ी चटपटी सी हो जाती है इसलिए हमें ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी तो मम्मी को पसंद है, लेकिन ये डिमांड बहुत आ रही थी इस रेसिपी की, इसलिए हम लोगों ने बनाई आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और फुल सपोर्ट करना मेरी मम्मी की रेसिपीज़ को। बहुत मेहनत कर रही हैं, हर रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपने घर पर बना पाओ। तो हाँ, ये डिमांड पे ही आई है सब चीज़।
कंटिन्यूसली देख लिया, हम चलाते जा रहे हैं ऐसे ताकि दही फटे ना, जब तक एक बॉइल ना जाए। राइट, हो गया एक बॉइल मिल गया, फिर अगर यहाँ पे हमारा दही जो है वो फट जाता तो ये हो जाता। ओह नो। कितना डालोगी? दही जमा रही हो? दही जमा रही है। अब इसका तो करो, हो गया हो गया। दही धनिया मिर्च पड़ेगा बस, और नमक तैयार। नमक नमक डाल दो थोड़ा सा। तो हमारे मटा के आलू हो गए हैं तैयार। इसमें जा रही है हरी मिर्ची और धनिया।